Hello students, I hope you are fit and fine. Dear students, in today's video we will discuss about trigonometry function of multiple of numbers. Trigonometry function of multiple of numbers mean you can say angles. Which type multiple of angles? Now first is 2a as a. 2a as a means convert formula for 2a angle as a. You can say half formula, half angle formula. So what do you mean half angle formula? Suppose we have first is sin 2a. तो नाउ आप sin 2a को क्या लिख सकते हैं? मींस sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a. sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a. तो कैसे आएगा देखिए, यू नो sin 2a रिटन एज साइन ए प्लस ए. ट्रेक कर सकते हैं हम 2a को a प्लस ए. नाउ साइन ए प्लस बी का प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए. व्हाट इज साइन ए प्लस बी? साइन ए कोस बी, ये हमारे लिए b है, ये a है, प्लस कोस ए साइन बी. बट डियर स्टूडेंट आप देखेंगे साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए बोथ आर सेम, ऐड कर लेंगे 1 1 2. इन दिस कंडीशन साइन 2a किसके इक्वल आ जाएगा? 2 साइन ए कोस ए. क्लियर? मींस यहां एंगल 2a है तो यह हाफ हो गया a एंड a. नाउ नेक्स्ट इज कोस 2a. cos 2a, you know cos 2a break into cos a plus a. अब आप प्रॉपर्टी लगाएंगे cos a plus b. तो what is cos a plus b? cos a cos b minus sin a sin b. But हमारा एंगल b यहाँ a है, so we will write here a. यहाँ पर भी ए लिखेंगे. अब आप कोस 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 स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर. सो डियर स्टूडेंट कोस 2a को आप क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. वी हैव प्रूव फर्स्ट एंड सेकंड. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1 also. Means हम इसी को cos square में चेंज कर सकते हैं. तो you know sin square is equal to 1 minus cos square a. So cos square a minus 1 minus minus plus, that is cos square a minus 1. ओके, ये cos 2a का प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ sin. हम यहां cos को sin में चेंज कर सकते हैं. मींस cos 2a इज 2 इनटू cos square a रिटन एज 1 माइनस sin square a. सो 2 माइनस 2 sin square a minus 1, 2 minus 1, 1, 1 minus 2 sin square a. Okay, it is fourth property. Clear? So dear student, in this way you can change sin 2a and cos 2a in the form of half angle. Clear? 2a is angle, then half angle is a. एंड अपने पास कोस में कितनी प्रॉपर्टी हो गई? कोस 2a 1 2 3, वी हैव 3 एंड 1 आल्सो 4. देन नेक्स्ट इज टेंजेंट 2a.
टेंजेंट टू ए का देखिए आप कैसे प्रूव करेंगे। इन टेंजेंट टू ए वी कैन राइट टेंजेंट टू ए एज टेंजेंट ए प्लस ए। टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस ए। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट ए प्लस बी, तो व्हाट इज टेंजेंट ए प्लस बी? टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, बी इज ऑल्सो ए, अपॉन वन माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो इन दिस वे टू टेंजेंट ए अपॉन वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो हमने टेंजेंट टू ए का प्रॉपर्टी क्या लेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले में, टू टेंजेंट ए अपॉन वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, इट इज फिफ्थ। नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ। तो इन सिक्स्थ इज साइन टू ए, साइन टू ए, एंड वी वॉन्ट टू प्रूव डेट साइन टू ए इज टू टेंजेंट ए अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है टू टेंजेंट ए अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर। तो यू नो साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कोस ए, ओके, एंड डिनोमिनेटर इज हेयर वन। और आपको टेंथ में आपने किया प्रैक्टिस, वन को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए हमें टेंजेंट चाहिए, हमें टेंजेंट कब मिलता है जब हम साइन बाय कोस लेंगे। तो यहाँ हमें साइन स्क्वायर की को किससे डिवाइड करोगे कोस स्क्वायर, यानी डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर। सो राइट सेपरेट अलग अलग लिखना टू साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर, यू कैन कैंसिल वन पार्ट, सो टू साइन बाय कोस टू टेंजेंट ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, कैंसिल हो जाएगा। सो टू टेंजेंट ए अपॉन साइन बाय कोस टेंजेंट स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर इज टेंजेंट स्क्वायर। सो वी गेट टू टेंजेंट ए अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज कोस टू ए, कोस टू ए के फॉर्म में क्या लिखेंगे, यू नो कोस टू ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एंड डिवाइड बाय समथिंग, कुछ भी नहीं, तो वी कैन राइट वन, एंड यू नो वन इज इक्वल टू, वन को क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब आप देखिए आपको वन चाहिए यहाँ पे और टेंजेंट चाहिए, सो वी विल डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर ए, यहाँ भी कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे, हियर आल्सो, तो यू नो कोस स्क्वायर अपॉन cos square 1 sin by cos tangent square a, okay, here negative minus and 1 plus tangent square a. In this way you can prove cos 2a also 1 minus tangent square a upon 1 plus tangent square a. Now next part is
Now next part is change 3a into a. Change 3a into a, and the first property is about sine 3. You should keep in mind, आपको ध्यान में रखना साइन थ्री ए या साइन थ्री थीटा किसके इक्वल होगा, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए. थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए. तो हाउ विल यू प्रूव, यू नो साइन थ्री ए रिटन एज साइन ए प्लस टू ए. अलग ब्रेक कर सकते हैं हम, 2a प्लस a 3a. अब आप साइन a प्लस b का प्रॉपर्टी ओपन कर लीजिए, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b. अब डियर स्टूडेंट यहां देखिए, अपना टोटली टर्म साइन में है, तो यहां जो भी cos गिवन है आप उसको साइन में चेंज करेंगे. क्लियर? और देखिए आपके पास या ओनली ए है, तो जहां भी 2a है उसको चेंज करना पड़ेगा हमें. जैसे cos 2a है, cos 2a को साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. सिंगल cos नहीं होता. साइन 2a इज 2 साइन a cos a. सो प्रोडक्ट करेंगे आप साइन a माइनस टू साइन क्यूब ए टू साइन ए कॉस कॉस कोस स्क्वायर. अब अगेन ब्रेक करना होगा आपको कॉस को साइन थीटा में, सो वी कैन राइट साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए एंड कॉस स्क्वायर रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. तो मल्टीप्लाई ओपन करना, साइन ए माइनस 2 क्यूब साइन ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 क्यूब साइन ए. तो अपने पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, साइन ए 2 साइन ए 3 साइन ए. ओके, माइनस 2 साइन ए माइनस 2 माइनस 4 sin cube a and property of sin 3a. तो in this way आप sin 3a को क्या लिखेंगे, 3 sin a minus 4 sin cube a. Now cos 3a, cos 3a, so dear student you know cos 3a break into cos a plus 2a. And you know property of cos A plus B. What is cos A plus B? Cos A cos B minus sin A sin B. Cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. So what is cos 2A? सभी को cos की फॉर्म में चेंज करेंगे. You know 2 cos square a minus 1 and sin 2a is 2 sin a cos a. Multiply कर लीजिए 2 cos cube a minus cos a 2 sin square a cos a. यहां देखिए sin को फिर cos में change करेंगे, 1 minus cos square a. Okay, now multiply karna, 2 cos cube a cos a minus 2 cos a plus 2 cos cube a. Now 2 plus 2 4 cos cube a minus 3 cos a. Clear? So in this way cos 3 kiske equal hoga, 4 cos cube a minus 3 cos a. And याद रखना cos में 4 पहले आता है, greater coefficient बड़ा है तो power भी बड़ी है. Okay, now sin 3 a में 3 sin a और 4 sin cube a. यहाँ mistake हो जाती तो ऐसे मायने में रखेंगे, जहाँ coefficient greater है वहाँ power भी greater होगी. Clear?
Now in third part tangent 3a. So in tangent 3a you can break tangent 3a. ये जो प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं 2a 3a मोस्ट ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होंगी ये इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैलकुलस. नाउ टेंजेंट 3a रिटन एज टेंजेंट a प्लस 2a एंड यू नो टेंजेंट a प्लस b. व्हाट इज टेंजेंट a प्लस b? टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b upon 1 minus tangent A tangent B. Now you know हमें तो चाहिए only A A A में यहाँ 2A है तो आप tangent 2A का value put कर दीजिए. What is tangent 2A? 2 tangent A upon 1 minus tangent square A. Same here. 2 tangent A upon 1 minus tangent square A. अब LCM लेकर आप multiply करेंगे. So tangent A into 1 minus tangent square A plus 2 tangent A upon, now again LCM, 1 minus tangent square A minus 2 tangent square A. Now this part cancel. Yeah, multiply solve कीजिए. Tangent A minus tangent cube A plus 2 tangent A upon 1 minus 3 tangent square A. You know 2 tangent A plus A, 3 tangent A minus tangent cube A upon 1 minus 3 tangent square A. So dear student, in this way we have proved third property also. So you should keep in mind ये सभी property आपके coming syllabus में use होंगी. इनको बार बार लिखें, practice करें, इवनिंग और मॉर्निंग में टाइम लगाएं. सभी प्रॉपर्टी जितनी भी हम कर चुके हैं इनको एक आप एक असाइनमेंट तौर पे इसको लिख लीजिए. अपने स्टडी रूम में टेबल है आपकी, स्टडी टेबल, उसके ऊपर पेस्ट कर लीजिए. उस नियर डियर आपके यहाँ जहाँ भी हो आपको मॉर्निंग इवनिंग इसका वन टाइम रिविजन जरूरी है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नाउ अब हमें चेंज करना है ए को ए बाई टू. तो सम क्वेश्चन आपका क्या होगा, मोस्टली ऐसे भी आएंगे, जाएंगे लेग यून होगा उसके हाफ में लेके आना ए बाई टू. तो कैसे करेंगे आप? यू नो साइन ए क्या होगा? अभी आपने किया टू साइन ए, सॉरी साइन टू ए इज टू साइन ए कोस ए. देखिए अगर एंगल आपका टू ए है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए ए में. तो यहाँ यानी 2a का हाफ हो जाता है. इन द सेम वे साइन a को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन a बाय 2 कोस a बाय 2. अगर हमारा एंगल 2a है तो यहाँ क्या हो गया? एंगल a हाफ. तो इन द सेम वे अगर a है तो एंगल क्या होगा? a बाय 2 a बाय 2. सिमिलरली अगर आपको cos 2 cos a लिखना है, यू नो cos a, तो कोस ए में आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी इन हाफ फॉर्मूला, कोस स्क्वायर ए बाय टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाय टू. आइदर टू कोस स्क्वायर ए बाय टू माइनस वन या टू साइन स्क्वायर ए बाय टू. क्लियर? या इन हाफ फॉर्मूला वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय टू 1 plus tangent square a by 2. एक्चुअली है नहीं कुछ ज्यादा, बस आपको जहाँ 2a में a हो जाता था तो इन द सेम सेंस a में क्या हो जाएगा? a by 2 half. Now sin a also आपको half formula में लिखना है तो you can write sin a is
टू टेंजेंट ए बाय टू अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय टू, एंड इन टेंजेंट इज ऑल्सो रिटन एज टू टेंजेंट ए बाय टू अपॉन वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय टू। आफ्टर डैट जो बहुत कॉमन यूज होती है प्रॉपर्टी वो सुनिए क्या होता है। अगर आपके पास कहीं वन प्लस कोस टू ए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो यू कैन राइट टू कोस स्क्वायर ए, वन प्लस कोस टू ए निकाल सकते हैं आप। बिकॉज देखिए हमने क्या किया था, कोस स्क्वायर ए माइनस टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन इज कोस टू ए, माइनस वन को इधर ले जाइए तो वन प्लस कोस टू ए, टू को डिवाइड में ले आइए, ओके ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर, या आप टू को यहां भी रख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यूज होता है ये, वन प्लस कोस टू ए को आप क्या लिख सकते हैं, टू कोस स्क्वायर ए, मीन्स टू एज ए हो जाएगा। इन द सेम वे अगर आपके पास सिर्फ ए है वन प्लस कोस ए, तो आप क्या लिखेंगे, टू कोस स्क्वायर ए बाय टू। नाउ अगर नेगेटिव है वन माइनस कोस टू ए, तो ये होता है टू साइन स्क्वायर ए, बट अगर सिंपल वन माइनस कोस है देन वी विल राइट टू साइन स्क्वायर ए बाय टू, टू साइन स्क्वायर ए बाय टू, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वन माइनस कोस ए एंड वन प्लस कोस ए। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होगी आपके आगे कमिंग सिलेबस में जहां भी कैलकुलस पार्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ चेंज एंगल ए इंटू ए बाय थ्री। तो यू नो अभी हमने किया डिस्कस, साइन थ्री ए इज थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। तो इन द सेम वे अगर ये साइन ए हो जाए, अगर देखो थ्री ए है तो ए है, वन थर्ड हो जाता है, तो अगर साइन ए गिवन है तो हम लिखेंगे थ्री साइन ए बाय थ्री माइनस फोर साइन क्यूब ए बाय थ्री। देखिए थ्री ए का थ्री ए हो जाता है ना, यानी एंगल इज वन थर्ड, तो सेम वे यहाँ भी वन थर्ड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज कोस थ्री ए, फोर कोस क्यूब ए माइनस थ्री कोस ए। यहाँ अगर आपको कोस ए लिखना है तो यू कैन राइट फोर कोस क्यूब ए बाय थ्री माइनस थ्री कोस ए बाय थ्री। एंड लास्ट इज टेंजेंट थ्री ए, क्या लिखा था हमने, थ्री टेंजेंट थ्री ए इज थ्री टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेंजेंट स्क्वायर ए। अगर यही अगर अपना एंगल सिर्फ ए हो तो वी कैन राइट थ्री टेंजेंट ए बाय थ्री टेंजेंट क्यूब ए बाय थ्री वन माइनस थ्री टेंजेंट स्क्वायर ए बाय थ्री। तो इन दिस वे वी कैन प्रूव एज ए रिटन एज ए बाय थ्री। नाउ लेट अस सी सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द अबव प्रॉपर्टी। नाउ इन फर्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन एक्स इज थ्री बाय फाइव एंड एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू पाई बाय टू, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और थीटा लाइज बिटवीन जीरो टू पाई बाय टू मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। और हमें क्या क्या निकालना है, साइन टू एक्स कोस टू एक्स टेंजेंट टू एक्स। सो डियर स्टूडेंट यू नो साइन थ्री एक्स, सॉरी साइन एक्स इज थ्री बाय फाइव। तो आपको रूल याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम ट्रायंगल बनाएंगे और मैंने इसको एंगल को लिखा है एक्स थ्री बाय फाइव,
पाइथागोरस से क्या निकाल लेंगे, 4, तो आपके पास cos x भी आ चुका है, cos is base by hypotenuse and tangent is perpendicular by base, clear? Now you can find value the sine of sine 2x, that is 2 sin x cos x, cos 2x 1 minus 2 sin square x, and tangent 2x 2 tangent x upon 1 minus tangent square x. So in our first part, sin 2x, 2 sin x, what is sin x? 3 by 5, cos kya hai? 4 by 5, so kya answer aa gaya? 4 3 12 2 24, 24 by 25. In the same way, cos 2x, 1 minus 2 sin x whole square, so 1 minus 2 9 by 25, 18 by 25, 25 is LCM, so 7 by 25. In the same way you can find tangent 2x also. Now next problem is, under the root 1 plus sin 2x upon 1 minus sin 2x is equal to tangent pi by 4 plus x. So dear student, आपने जब भी property की उसमें देखा होगा, अगर जहां भी sin का property है तो sin 2x है या single sin x है, ये आपका unique होना चाहिए, यानी plus minus कुछ नहीं होना चाहिए. अगर कहीं cos है, cos x है या cos 2x, उसके साथ 1 minus होना चाहिए, either 1 plus, okay? तो वो अपने concept को क्या बनाएगा? Easy बनाएगा. तो so हम यहाँ पर left को लेकर ऐसे करेंगे, taking left hand side 1 plus sin 2x, sin को मैं cos में change कर लेता हूँ. आपको पता है cos pi by 2 minus theta is sin theta, इसलिए मैं sin 2x को क्या लिख रहा हूँ, इसमें cos pi by 2 minus 2x, 1 minus cos pi by 2 minus x, clear? और अभी हमने प्रॉपर्टी की थी 1 plus cos theta किसके इक्विवेलेंट होता है, 2 cos square theta by 2, तो theta by 2 करेंगे तो pi by 4 हो जाएगा और ये 2x by 2x हो जाएगा. बट अगर 1 minus cos theta है then 2 sin square theta by 2, यहां भी half हो जाएगा. Now 2 2 cancel, cos by sin, you know cos by sin cot square, ये half होगा, सिर्फ x रहेगा, square square root cancel, we get cot pi by 4 minus x. But हमें तो tangent में चाहिए, तो you know cot theta को आप क्या लिख सकते हैं, tangent pi by 2 minus theta, तो minus minus plus x. So in this way pi by 2 minus pi by 4, pi by 4 plus x means we have proved that is equal to tangent pi by 4 plus x. And इस question को आप इस तरीके से कर सकते हैं. And another given in your book. Now next problem is, under the root 2 plus, under the root 2 plus 2 cos x, cos 4x. So in left hand side 2 को कॉमन ले लीजिए, 1 plus cos 4x. And you know dear student, अभी हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टी ऑफ 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2, means ये 2 cancel हो गया, 2 plus 2 2's
4 cos square x, and you know square square root cancel, 4 को भी आप लिख सकते हैं 2 cos का whole square, we get 2 plus 2 cos x, और half लिया सो 2x, okay, now what is common, again 2 is common, 1 plus cos 2x, फिर से प्रॉपर्टी लगा दो आप, क्या प्रॉपर्टी था, 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2, means 4 cos square x, और 4 cos square x किसका whole square है, 2 cos x, तो we get only 2 cos x, now dear student, मैंने क्या किया है, 2 common लिया तो अंदर क्या रह गया, 1 plus cos 4x, जिसका प्रॉपर्टी क्या है 2 cos square x by 2 means 2 cos square 2x यहां 2 भी लिखना है आपको and 2 2 is 4 cos square 2x को लिख सकते हैं 2 cos 2x whole square cancel हो गया square square root यहां फिर 2 common आ गया and again 1 plus cos 2x 2 cos square x by 2 2 2 is 4 and 2 cos x whole square now we get 2 cos x 2 cos x now in this way you should try exercise based on the identities and examples in next video we will discuss some half formulae also 18 15 now stay home stay safe thank you